हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मार्केट में बहुत गिरावट अच्छी से आई है। जो लेवल हम बहुत दिनों से बचा हुआ था 21,900 का, उसको भी निफ्टी ने ब्रेक किया है और शानदार तरीके से ब्रेक किया है। उसके बाद बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स में भी जो है बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई है। आप देखिए, दिस इज निफ्टी। निफ्टी हैज ब्रोकन इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंडेड लेवल्स। आप देखिए, जैसे ही 21,900 के नीचे गई है निफ्टी, इसने 21,800 का बेस बनाया और 21,800 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग थी, वहां पे आके निफ्टी रुकी है थोड़ा सा, एक डबल ट्रिपल बॉटम उसने बनाया है। तो मार्केट इज इन एक्सट्रीम डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे समय में। इट्स बेस्ट टाइम टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, राइट? तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग के लेसन लेके आई हूँ। और अगर आप जुड़े हुए हैं स्टॉक प्रो के साथ, हमने अर्ली मॉर्निंग इंडिगो का ट्रेड किया था, बजाज ऑटो का ट्रेड किया था और एक और ट्रेड किया था, तीन ट्रेड हमने लिए थे भारतीय एयरटेल। तीनों में बहुत अच्छे ब्रेकआउट आए थे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन किया है तो आप जाके वीडियोज में जाइए और पॉपुलर वीडियोज में जाइए और यहाँ पे देखिए, कॉन्फिडेंटली मेक मनी यूजिंग दिस इंडिकेटर, राइट, विच इज ADX। ADX इज नथिंग बट अ डायरेक्शनल मूवमेंट। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आके कुछ और लिखिएगा यहाँ पे, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या कंडीशन है, वो आपको सारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आई एम नॉट गोना रिपीट इट, राइट? प्लीज जाके देखिए, ये मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, 281K व्यूज है इसमें। और अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो इसमें अराउंड 7,500 के इसमें थम्स अप भी है, राइट? तो इस वीडियो को आप जाके देखिए, आपको डेफिनेटली यू विल गेट टू लर्न अ लॉट मोर अबाउट ADX, राइट? तो उसी ADX को यूज करेंगे और मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन करूंगी, वेल डिफाइन करूंगी, सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन द डेली इंट्राडे स्टॉक्स, राइट? तो आई एम गोना यूज ADX, सो ADX को अप्लाई कर देते हैं। ADX एंड DI, दिस इज हियर, दिस इज व्हाट आई हैव अप्लाइड। एंड आपको पता है कि सिंपल सा रूल होता है ADX का, कि एक ही रेड लाइन होती है, रेड मींस नेगेटिव ट्रेंड, ग्रीन मींस पॉजिटिव ट्रेंड, और ये जो ब्लू लाइन जा रही है, दिस इज डायरेक्शनल इंडिकेटर, इट टेल्स द मोमेंटम, किस डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा, और इसकी वैल्यू जो है 25 के ऊपर होनी चाहिए। तो जब ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, दोनों आपको देखना है कहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। इंपॉर्टेंट इज क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर के समय देर हैज टू बी अ गुड गैप बिटवीन DI नेगेटिव एंड DI पॉजिटिव, और फिर उसके बीच में से नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शनल इंडिकेटर को कट करना है, और उस डायरेक्शनल इंडिकेटर की जो वैल्यू है वो भी 25 के ऊपर होनी चाहिए, राइट? जैसे ही 25 के ऊपर, या 20 के ऊपर भी हम लेते हैं, बहुत 20 के ऊपर भी इट्स अ गुड इंडिकेशन दैट मार्केट इज अबाउट टू बी ट्रेंडिंग। जैसे आज निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने, नेगेटिव इंडिकेटर, नेगेटिव DI ऊपर है, पॉजिटिव DI नीचे है, और ये जो डायरेक्शनल इंडिकेटर है बीच में से कट करता हुआ जा रहा है। अब आप देखिए, हमने बात की थी 21,900 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल है। आप देखिए, उस समय ट्रेंडिंग इंडेक्स जो है 20 के ऊपर है, 23 के आसपास है, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आके मार्केट रुकी है, वो नीचे गई है, फिर ऊपर आके रीटेस्ट करा है। रीटेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। यहाँ पे आके मार्केट ने रीटेस्ट किया है पास्ट बैरियर्स को, और फिर उसके बाद नीचे 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 चलती चली गई मार्केट, राइट? दैट्स हाउ द फॉल हैज टेकन प्लेस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायरेक्शन, आपको मोमेंटम को कैच करना है। मोमेंटम कैसे कैच करेंगे? जब डायरेक्शनल इंडिकेटर आपको बताएगा कि ये 20 या 25 के ऊपर, 20 के ऊपर होना जरूरी है। DI नेगेटिव एंड DI पॉजिटिव शुड क्रॉस, देयर शुड बी रीसेंट क्रॉस बिटवीन बोथ ऑफ देम, और जो डायरेक्शनल इंडिकेटर है वो आपको 20 के ऊपर होना चाहिए, तब आपको पता लगता है कि एक डायरेक्शनल मूव आने वाला है, राइट? अब मैं क्या करूंगी, आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं आपके लिए इसका स्कैनर बना के दूंगी और उस स्कैनर को बैक टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे कि हम लोग करेक्ट स्टॉक कैच कर पाते हैं कि नहीं इन द लाइव मार्केट। तो सबसे पहले चलते हैं, पहले कुछ मैनुअली कुछ स्टॉक्स में ट्रेड देखते हैं करके। कोलपैल, राइट? आज देखते हैं कोलपैल में हमको कोई ट्रेड मिला था कि नहीं मिला था। तो देखिए, ये 19 है, नेगेटिव DI ने ऑलरेडी पॉजिटिव DI को क्रॉस कर दिया है, और यहाँ पे आप देखिए, आज की जो पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल में ही जो डायरेक्शनल इंडिकेटर है वो 20 के ऊपर है। उसके बाद सेकेंड कैंडल ने जैसे ही पास्ट बैरियर, जो ये सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक करा है, उसके बाद कोलपैल में एक हैवी सेलिंग आई है, राइट?
तो ये दिस इज हाउ डायरेक्शनल इंडिकेटर वर्क. सी हियर, यहाँ पे आप पॉजिटिव डी आए, नेगेटिव डी आए, और ये जो डायरेक्शनल इंडिकेटर है एडीएक्स जो है वो नीचे से ऊपर तक कट कर रहा है. 20 के ऊपर जाते ही आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा. यहीं पे कहीं पे 20 के आसपास है, यहाँ पे कहीं पे आसपास है इस जगह पे, और यहाँ से आपको देखिए पूरा चलते चलते एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला है. तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. अब हमको लाइव मार्केट में क्या पता लगेगा कि कहाँ पे ये कट आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे चार्टिंग स्कैन, चार्टिंग वेबसाइट पे. व्हाट इज द वेबसाइट्स नेम, charting.com. यहाँ पे हम जाके एक क्रिएट स्कैन करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले जाके हम क्या करेंगे, वी विल एड 5 मिनट्स कैंडल. राइट, हमको क्या करना है, एडीएक्स एड करना है. राइट, एडीएक्स डी आई पॉजिटिव उसको हम एड करेंगे. सो आई एम जस्ट गोना सर्च कि कहाँ पे एडीएक्स है. दैट्स एन इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर्स में एडीएक्स जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं. हियर एडीएक्स डी आई पॉजिटिव, अगर हमें बाय का ट्रेड बनाना है. राइट, 14 ग्रेटर देन, देन वी हैव टू हैव अ नंबर. अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करेंगे तो नंबर आ जाएगा, और 20 आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमको हाई वॉल्यूम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी वॉन्ट एक्स्ट्रा हाई वॉल्यूम्स. तो बिकॉज वी विल बी, हम जो है एफएनओ में ट्रेड करेंगे, तो वॉल्यूम को ग्रेटर देन करेंगे, और नंबर हम यहाँ पे एक नंबर ही लेंगे, और नंबर को लेंगे हम 50,000 क्वांटिटी, और मे बी 1 लाख क्वांटिटी. इस क्वांटिटी को हम 1 लाख क्वांटिटी ले लेंगे, मतलब मिनिमम जो क्वांटिटी ट्रेडेड है दैट शुड बी मोर देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख. उसके बाद हम बहुत छोटे स्टॉक्स में नहीं करेंगे, तो क्लोज डेली क्लोज ग्रेटर देन पे जाएंगे हम यहाँ पे, और नंबर 100, 100 से ऊपर का स्टॉक होना चाहिए. हमको कुछ 3-4 पॉइंट्स तो मिलने चाहिए ना. ये हमारा स्कैन बन गया एडीएक्स को लेके. वॉल्यूम ज्यादा होने चाहिए, 100 रुपये से ज्यादा का स्टॉक होना चाहिए. डी आई जो है एडीएक्स डी आई जो पॉजिटिव वो है वो 20 के ऊपर होना चाहिए. ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं, एंड वील सी वॉट ऑल डू वी गेट. वी गेट आईओएल केमिकल, सोमानी सेरेमिक्स, और दे आर प्रीटी डिसेंटली अप. राइट, आप चाहो तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश की जगह एफएनओ सेगमेंट में, फ्यूचर्स में आप डाल के भी इसको रन कर सकते हो. आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ओबरॉय रियलिटी, हिंडालको, भारतीय एयरटेल, एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट, अब हम चेक करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन बजाज फाइनेंस. लेट्स सी व्हाट हैपन इन बजाज फाइनेंस टुडे. हियर इज बजाज फाइनेंस. राइट, बजाज फाइनेंस में अगर हम देखते हैं तो आज के दिन डिड वी हैव अ क्रॉसओवर. यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे डी आई पॉजिटिव नहीं, डी आई नेगेटिव को क्रॉस किया है. बट एडीएक्स कहाँ पे 20 के ऊपर गया है, यहाँ पे कहीं पे गया, और उसके साथ ही एक नेगेटिव कैंडल भी आ गई, तो हमारा ट्रेड नहीं बना. तो हम इसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, दिस इज नॉट द ट्रेड अकॉर्डिंग टू आर स्ट्रेटेजी. राइट, बट अगर हम यहाँ पे बात करते, कहीं पे इस जगह पे बात करते, देखिए डी आई पॉजिटिव ने क्रॉस किया, डी आई नेगेटिव ने नीचे क्रॉस किया है, और इस जगह जहाँ पे पास्ट बैरियर क्रॉस हो रहे हैं, इस जगह पे हमको कहीं पे एक एंट्री मिलती थी, यहाँ पे कहीं पे एक पॉजिटिव एंट्री मिलती थी. डी आई नीचे देखिए, आप नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डी आई जो है 25 के ऊपर है. राइट, डी आई पॉजिटिव है, मतलब एडीएक्स इंडिकेटर 25 से ऊपर है, पास्ट बैरियर क्रॉस है, आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको अच्छे खासे मूवमेंट मिल जाते हैं, 30-35 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंड यू आर डन एंड आउट. राइट, यू आर डन एंड आउट. सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड. सी नॉट 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 दैट ओनली, यू गेट फ्रॉम हियर 6570 टू 6670, दैट मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स का मूव आपको यहाँ पे मिल जाता है, विच इज नॉट बैड एट ऑल. राइट, यहाँ पे देखो आप इसी तरह का एडीए डी आई पॉजिटिव ने डी आई नेगेटिव को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे आके, आपको मैं मार्क कर देती हूँ, इससे मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे कहीं पे आके जो है डी आई जो है पॉजिटिव 25 से ऊपर हुआ है. कैंडल ने भी आप देखोगे पास्ट बैरियर्स को यहाँ पे ब्रेक करा है, और उसके बाद आपको एक बहुत डिसेंट मूव मिला देखने को 64-65 से 65-70, 100 पॉइंट्स का मूव आपको यहाँ भी देखने को. राइट, तो एक बार हम स्कैन करते हैं सारे स्टॉक्स को, जहां जहां इस इंडिकेटर के थ्रू मैनुअली स्कैन करते हैं कि क्या हुआ. आरबीएल बैंक में देखते हैं कि क्या हुआ. यहाँ पे देखो आप एडीएक्स पॉजिटिव ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, एडीएक्स नेगेटिव ने नीचे की तरफ क्रॉस किया है, डीआई जाके कहीं पे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया इस जगह पे. राइट, यहाँ पे कहीं पे आके पॉजिटिव हो गया,
दैट मीन्स वी गेट अ गुड एंट्री टू बाय अबव 223 एंड इट मेड अ हाई ऑफ व्हाट 229.8 राइट दैट वाज अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. बजाज फाइनेंस देखते हैं बजाज फाइनेंस में हमको अच्छी एंट्री मिली कि नहीं मिली. तो समवेयर हियर ओनली यहाँ देखिए आप ऑलरेडी डीआई पॉजिटिव ने डीआई नेगेटिव को क्रॉस कर रखा है. एडीएक्स यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है तो यहाँ से चल के आपको करीब पूरा 100 पॉइंट का मूव देखने को डेफिनेटली मिला है. उसके बाद बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में देखिए यहाँ पे क्रॉस हो गया है एडीएक्स पॉजिटिव ऊपर और एडीएक्स नेगेटिव नीचे. बट यहाँ जाके कहीं पे आई होप यू कैन ऑल सी इट कि यहाँ जाके कहीं पे जो है एडीएक्स 20 के ऊपर गया यहाँ से यहाँ पे. तो दैट मीन्स इस जगह पे कहीं पे आपको एक जगह एंट्री मिलती है और ये मूव मिलता है देखने को विच इज 6820 से लेके 8687 तक आपको यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला इवन इन द नेगेटिव मार्केट. लेट्स हैव अ लुक एट द स्टॉक्स व्हिच आर नेगेटिव व्हाट हैज हैपेंड इन देम. सो यहाँ पे देखिए कोल पैल है शुरुआत कल के दिन ही इसमें जो है एडीएक्स का द्वार खुल गया था. डीआई पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर डीआई नेगेटिव नीचे और एडीएक्स बीच में था 24 के आसपास. जैसे ही डे का लो ब्रेक हुआ उसके बाद ये यूनिडायरेक्शनली मूव करता चला गया. अब इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने ये 20 ईएमए लगा रखी है. अगर स्टॉक प्राइस 20 ईएमए के नीचे है डीआई नेगेटिव ने ऊपर क्रॉस किया डीआई पॉजिटिव नीचे क्रॉस किया और एडीएक्स ने 25 से ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग की है तो हम जैसे ही मॉर्निंग रेंज ब्रेक होती है हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं. बीपीसीएल हैव अ लुक एट बीपीसीएल. सो एडीएक्स नेगेटिव ने एडीएक्स पॉजिटिव को कल क्रॉस कर लिया था और आज जैसे ही मॉर्निंग रेंज में आप देखिए 25 के आसपास जैसे ही ये पहुंची है एडीएक्स की वैल्यू और मॉर्निंग रेंज ब्रेक हुई है आपको एक शानदार ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है. एक शानदार ब्रेकडाउन आपको नीचे की तरफ देखने को मिला है ऑलमोस्ट लाइक 10-11 पॉइंट्स का ड्रॉप आपको देखने को मिला है. TCS तो ओपन ओनली गैप डाउन मैसिवली गैप डाउन बट इसने कल ही ट्रेड इनिशिएट कर दिया था. यहाँ पे ही ट्रेड TCS में इनिशिएट हो गया था. ये देखिए इस जगह पे जब ये पास्ट बैरियर्स ब्रेक हुए थे आपके पास ट्रेड इनिशिएट हो चुका था और उससे पहले भी ट्रेड इनिशिएट हो चुका था यहाँ के कहीं आसपास जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था वहां से ट्रेड इनिशिएट हो चुका था और उसके बाद लगातार नीचे ही गिरता चला. तो इस तरह से आप ADX को यूज कर सकते हैं. एक काम किया जा सकता है इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड यू कैन डू एन एक्सरसाइज टुडे. आज रात बैठ के आप ढूंढो किस में क्रॉसओवर हुआ है किस में प्रॉपर क्रॉसओवर हो चुका है आज के दिन और कल आप देखो मॉर्निंग रेंज में अगर कहीं पे एडीएक्स आपको 20-25 के ऊपर मिलता है तो आप डेफिनेटली उसमें ट्रेड कर सकते हो. सो ये एक छोटा सा लर्निंग वीडियो था आप इसको अप्लाई करके देखिए. देखिए ये जैसे आप देखो दिस इज अ ट्रेड ऑफ ओबेरॉय रियलिटी. एडीएक्स नेगेटिव ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया एडीएक्स पॉजिटिव ने नीचे क्रॉस किया है डीएक्स अभी बीच में एडीएक्स अभी बीच में है. तो अगर ये 20 अगर ये थोड़ा और ब्रॉडन अप हो जाता है और एडीएक्स कहीं बीच में आ जाती है आप डेफिनेटली इसमें सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और सेलिंग के लिए आपको ये लेवल के नीचे सेल करना है. यहाँ पे इस लेवल के नीचे आप सेल कर सकते हो. मॉर्निंग रेंज का वेट करिएगा. मॉर्निंग रेंज कुड बी 5 मिनट्स मॉर्निंग रेंज कुड बी 15 मिनट्स आपको जो अच्छा लगता है. मैं प्रेफर करती हूँ 15 मिनट की मॉर्निंग रेंज में. अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है आई वुड नॉट हेजिटेट इन इनिशिएटिंग अ ट्रेड. तो बाय साइड में भी सेल साइड में भी दोनों के साइड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. कोटक महिंद्रा बैंक में देखो आज डीआई पॉजिटिव ने डीआई नेगेटिव को क्रॉस किया बट बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है. एमएफएसएल में देखो भी क्रॉसिंग हुई है बट नॉट वेरी गुड डजंट लुक वेरी इंप्रेसिव. बहुत छोटा छोटा सो द बाइंग इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल. बहुत छोटी बाइंग आ रही है इसलिए वी आर नॉट गेटिंग वेरी गुड ट्रेड्स इन ऑन द बाय साइड वेयर इज सेल साइड. सो दिस इज अ ट्रेड यू कैन कीप ऑन रडार. आइशर मोटर में आज देखो क्लोजिंग जब हुई है तो डीआई पॉजिटिव ने अच्छे से ब्रेकआउट दिया डीआई नेगेटिव नीचे चला गया है और एडीएक्स बीच में है 24 के आसपास है. कल आप मॉर्निंग रेंज का वेट करिएगा और लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम. You may get a good breakout in Eicher Motor. So this was my forward testing. Let's see tomorrow. I hope market remains positive and it gives us good opportunity to make some money. Stay tuned. We will be meeting in the live market from 10 to 11. And paisa banate rahiye, stock ko follow karte rahiye, jagah jagah. Aapko zarur bahut kuch seekhne ko milega. Aur all the best. Stay tuned. Keep learning.